श्रीमान आर के सिंह जी, गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान नितिन भाई पटेल, आज हम सबको जिनके आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, ऐसे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान रतन टाटा जी, चेयरमैन एमएसडीसी जिन्होंने एक एलएनटी को विश्व के नक्शे पर रखने में बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसे श्रीमान अनिल नायक जी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर जी, मंच पर उपस्थित गुजरात के मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर आईटीआई के सारे स्टूडेंट भाइयों और बहनों, आप सभी का हृदय से स्वागत। सबसे पहले आज उत्तरायण 15 तारीख को है, उत्तरायण, लोहड़ी, पोंगल, ये तीनों त्योहार देश को अलग अलग क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। और सूर्यनारायण का उत्तर में आगमन प्रगति का और विकास का द्योतक होता है। तो आज के ही दिन मेरे मत क्षेत्र के अंदर ये आईआईएस की स्थापना होने जा रही है, इसलिए मैं श्री महेंद्रनाथ पांडे, श्री आर के सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी तीनों का बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मेरे मत क्षेत्र के कलोल विधानसभा क्षेत्र में नासमेद में आज इसका भूमि पूजन हुआ है और यही से गुजरात भर के युवाओं को कौशल्य की प्राप्ति होगी और स्किल प्राप्त करकर वो न केवल रोजगार प्राप्त करेंगे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज के द्वारा रोजगार देने की भी स्थिति में आएंगे, ऐसा मुझे जरूर विश्वास है। मित्रों, आज हम स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनेक विविध प्रकार से भारतीय युवा को स्किल के साथ जोड़ने में सफल रहे। मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात सरकार में मंत्री था, अभी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसी वक्त उन्होंने पूरे भारत में सबसे पहले गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना कर पूरे देश को स्किल की दुनिया के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत। और स्किल डेवलपमेंट का जो मिशन उन्होंने उस वक्त शुरू किया था जब 2014 के अंदर देश में परिवर्तन हुआ, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग विभाग बनाकर, एक नया विभाग की रचना कर भारत सरकार में इसको द्रुत गति से स्पीड के साथ आगे ले जाने की शुरुआत की। और आज जब भारत के अंदर नकारात्मक बातें करने वाले हमेशा बेरोजगारी की बातें करते हैं और जब बेरोजगारी की बातें करते हैं तब मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि भैया 50 साल 60 साल तक आपने इस देश में शासन किया, इस देश की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आपने क्या रास्ता ढूंढा। और मैं सबको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश को, इसके युवाओं को रोजगारी प्राप्त हुई इसलिए
50 साल 60 साल के आपके शासन के अंदर कोई नया रास्ता आपने ढूंढा क्या? ये संभव है क्या कि 50 साल तक आप शासन करते रहे, कुछ नया नहीं जोड़ा और आज हमसे हिसाब मांग रहे? मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, स्किल इंडिया का कार्यक्रम आने वाले दिनों के अंदर देश की रोजगारी का समाधान का एक राजमार्ग बनने वाला है। जो ये रास्ता ही हमें युवा को रोजगार की दिशा में आगे ले जाए। सिर्फ ग्रेजुएट होना और उसके बाद में नौकरी ढूंढते रहना, इसकी जगह युवाओं की स्किल का अपग्रेडेशन कर और स्किल का अपग्रेडेशन नई नई चैलेंजेस को मिट करे उस प्रकार से करना, नए नए कोर्स की रचना करना और नए नए प्रकार की जो इंडस्ट्री आई है और आने वाली है इसके लिए उसको योग्य बनाना, इसकी शुरुआत 2014 में नरेंद्र मोदी ने करी और प्रधानमंत्री जी की ये पहल के कारण आज देश बहुत आगे स्किल की दुनिया में बहुत आगे हो गया। कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का देश है। अलग दृष्टिकोण से देखने वाले लोगों को 130 करोड़ की आबादी बोझ भी लगती है और है भी, हो भी सकती है, परंतु मैं देखता हूं कि 130 करोड़ की आबादी है मगर हम दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा आज हमारे साथ, सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे साथ है और 130 करोड़ की आबादी के कारण सबसे बड़ा बाजार भी भारत के अंदर ही उपलब्ध है। और नरेंद्र भाई ने, देश के प्रधानमंत्री ने हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए सबसे पहले मेक इन इंडिया की शुरुआत की। दुनिया भर के लोग यहाँ आए और अपनी इंडस्ट्री को यहाँ स्थापित करें और यहाँ से दुनिया भर के अंदर व्यापार करें, क्योंकि 130 करोड़ का मार्केट, दुनिया के सबसे बड़े मार्केटों में से एक बाजार हमारा बाजार। तो मेक इन इंडिया के कारण एक अलग प्रकार की व्यवस्था भारत के अंदर